हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं एक वैकेंसी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारी नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आई हुई है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक IRDA के नाम से जानी जाती है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और ये जो एडवर्टीजमेंट है वो 21 अगस्त 2024, मतलब आज ही वैकेंसी आई है। और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 20 सितंबर 2024 है। सो फटाफट से डिस्कस करता हूँ, काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है मुझे। इसमें जो पोस्ट का नाम होगा वो आपका होगा असिस्टेंट मैनेजर। और इसमें 21 वैकेंसीज जो है वो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है, और EWS कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज है, OBC कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसीज है, SC कैटेगरी 8 वैकेंसीज है, और ST कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज है। टोटल 49 वैकेंसीज इसमें यहाँ पे रखी हुई है। इसमें अगर हम बात करें आपका वेबसाइट का जो लिंक होगा ओपन अप्लाई करने का, वो आज ही से अप्लाई आप इसको कर सकते हो स्टार्ट। और लास्ट डेट जो होगी आपके अप्लाई करने की वो 20 सितंबर 2024 होगी। और भी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स फटाफट से। इसमें जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी जो है वो चेक की जाएगी आपकी 20 सितंबर 2024 को, मतलब 20 सितंबर 2024 को आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए। आपको बताया हुआ है कि आप नॉट यू मस्ट नॉट बी बॉर्न बिफोर 21 सितंबर 1994, एंड यू मस्ट नॉट बी एल्डर देन। ये आपको एक रेंज बताई हुई है, आप इस रेंज में ही बॉर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या। तो आपको यस, आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। हालांकि 30 ईयर्स की आपकी अपर एज लिमिट है, लेकिन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST से अप्लाई करोगे। अगर आप OBC कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। अगर आप PWBD में SC ST से अप्लाई करते हो तो 15 ईयर्स, और अगर आप PWBD में OBC से अप्लाई करते हो तो 13 ईयर्स, और अकॉर्डिंगली PWBD जनरल या UR कैटेगरी के लिए आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। और भी इसमें फटाफट से चीजें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो एक्चुअल स्ट्रीम, बेसिकली इसमें असिस्टेंट मैनेजर में आपकी 5 स्ट्रीम बताई गई है। एक्चुअल स्ट्रीम में आपको 5 वैकेंसीज है, जिसकी क्वालिफिकेशन आपको मांगी हुई है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन चाहे वो बीकॉम में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में, फिर कोई सी भी ग्रेजुएशन हो आपके पास, आप एलिजिबल हो पाओगे। और आपने आपने 60% जो है मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए, एज वेल एज आपने 7 पेपर्स भी क्लियर किए होने चाहिए IAI के, ठीक है, एज पर 2019 करिकुलम। उसके बाद में जो सेकंड जो स्ट्रीम है, जो कि फाइनेंस की स्ट्रीम है, उसमें 5 पोस्ट है आपकी, एक ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए, बीएड इन कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ठीक है। और ग्रेजुएशन आपके पास में मैक्सिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, एज वेल एज आपके पास में फाइनेंस की पोस्ट के लिए आप एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, या फिर एसोसिएट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, या फिर एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि पुराना नाम था, या फिर आपने एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीज हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो पाते हो, और या फिर आपने एसोसिएट या फिर आपने CFA किया हुआ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट किया हुआ है, और ग्रेजुएशन भी की हुई 60% के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे फ्रेंड्स। लॉ डोमेन में आपकी 5 वैकेंसीज है, लॉ स्ट्रीम में इसकी रिक्वायरमेंट है ओनली बैचलर डिग्री इन लॉ विद 60% मार्क्स, आपने 60% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए फ्रेंड्स। IT के लिए मैं बात करता हूँ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने की हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। इसमें मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने की हुई है विद 60% मार्क्स, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंड्स। या फिर आपने बैचलर डिग्री की हुई है इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स की ड्यूरेशन की इन कंप्यूटर्स में या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंड्स। रिसर्च के लिए आपको बोला मास्टर डिग्री इन और 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, या स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, या फिर अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स में किया हो आपने 60% मार्क्स के साथ में, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे फ्रेंड्स। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन की हो आपने, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम में हो, आर्ट्स स्ट्रीम में हो, साइंस स्ट्रीम में हो, या फिर आपने कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है विद 60% मार्क्स, तो आप एज इन जनरल स्ट्रीम में, इन एज अ जनरलिस्ट आप एलिजिबल हो जाते हो। और भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आप जो है एक एक वैकेंसी एक पोस्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप एक स्पेशलाइजेशन से ज्यादा ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो जो आपकी लेटेस्ट एप्लीकेशन है वही आपकी जो है एक्सेप्ट की जाएगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5% मैक्सिमम 5% तक का आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जहाँ जहाँ आपका 60% की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स जान लेते हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी क्वालिफिकेशन की, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब आपने 20 सितंबर 2024 को अगर आपने रेलिवेंट क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की हुई है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसका मतलब इसमें CA May 2024 और आपका CMA क्वालिफाइड इन इन
जून 2024, वो सभी इसमें एलिजिबल हो जाते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 3 फेजेस में सिलेक्शन होगा। 3 फेजेस के हैं। पहला फेज में आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर, ठीक है। फेज टू जो होगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, एंड फेज थ्री में आपका इंटरव्यू होगा। जो फेज टू आपका होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, वो आपका होगा उसमें कितने जो है शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं कैंडिडेट, वो 20 टाइम्स 20 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब 49 वैकेंसीज है, तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो 20 से, फॉर एवरी वैकेंसीज इतने जो है शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बात बताऊं, इसमें जो आपका फेज टू होगा उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और जो फेज थ्री होगा आपका वो इंटरव्यू बेस्ड होगा, इंटरव्यू होगा आपका। फेज थ्री में इंटरव्यू में उसी को बुलाया जाएगा, उसी की शॉर्टलिस्टिंग आएगी जो फेज टू को क्वालिफाई करेगा। फेज वन को क्वालिफाई करने वाले एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। खाली फेज टू आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाओगे। जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बनेगी आपकी फेज थ्री की, वो आपकी बनेगी, वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका, वो फेज टू और फेज थ्री के जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे, फेज टू मतलब जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो कि फेज टू में होगा, और फेज थ्री में जो आपका इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें आपको आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब मैं ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एग्जामिनेशन का जो आपका है आपका जो है एक पैटर्न बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एमसीक्यू। इंग्लिश के लिए आपके आएंगे 40 क्वेश्चंस, और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए आएंगे 40 क्वेश्चंस, और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे 40 क्वेश्चंस। इसका मतलब आपके अप्रॉक्सीमेटली 160 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स ईच हो गए, ठीक है। इसका मतलब 160 मार्क्स के होंगे। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होंगे फ्रेंड्स, वो 1.5 1 एंड 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.24 0.25 मार्क्स की। टोटल जो है ये 90 मिनट्स का आपका जो है इसमें टाइम ड्यूरेशन है, 90 मिनट्स आपको कंप्लीट करना होगा। आपको इस ऑब्जेक्ट इस फेज वन को पास करने के लिए आपको आपको सेपरेटली आपको ये हर एक में आपको सेपरेटली भी एक कट ऑफ को मीट करना पड़ेगा, और एग्रीगेट में भी मीट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें जो है सेकेंड फेज के लिए आप क्वालिफाई किए जाओगे। और कुछ बातें इसमें फटाफट से फ्रेंड्स जान लेते हैं। जो फेज टू होगा उसमें 3 पेपर होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो फेज वन जो पेपर वन जो होगा आपका वो इंग्लिश इंग्लिश पेपर होगा आपका, इंग्लिश नाम होगा उसका, इंग्लिश के होंगे। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस, ये पेपर टू का नाम होगा। और पेपर थ्री जो होगा आपका इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। अगर आपको इसका सिलेबस जानना है तो पीडीएफ का, इस पीडीएफ का जो पेज नंबर 31 है, इस पे जो कोई पीडीएफ का जो 31 पेज है और 33 तक आपको जो है ये मिल जाएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो स्क्रीन पे दिखाई देंगे, मतलब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो होगा वहां पे दिखाई देंगे, और आपको लिखना होगा इसको आपकी आंसर शीट में, मतलब आपको रिटर्न लिखना होगा मैनुअली पेन से। 100 मार्क्स का होगा ईच, एंड 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा हर एक पेपर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सिलेबस आपको एनेक्स चैप्टर टू में दिख जाएगा, जो पीडीएफ का पेज है 31 से 33 तक। दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फेज थ्री जो होगा आपका वो इंटरव्यू होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और फेज थ्री में इसी उसी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो फेज टू को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और आईआरडीए में इसमें बोला हुआ है जो एग्जैक्ट वेन्यू होगा, जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी, लोकेशन टाइम टाइम डेट, और जो एड्रेस होगा आपका इंटरव्यू का, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर कहाँ आएगा आपको, कॉल लेटर आपको जो है कंपनी की वेब मतलब इस कंपनी की वेबसाइट पे ही आएगा, कंपनी नहीं अथॉरिटी की वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा कॉल लेटर पर। फेज थ्री पे स्केल की बात करें तो फ्रेंड, जो कि आपका जो है सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है इसमें, आपको जो सैलरी मिलेगी वो ग्रॉस सैलरी मिलेगी 17.52 लाख। मतलब आप मान के चलो कि आप फ्रेशर हो और आपको इतनी सारी सैलरी इतनी मिल रही है आपको सैलरी 17.5 लाख, मतलब 17.5 लाख पर एनम का आपको जो है पैकेज लगेगा, ग्रॉस सैलरी आपकी है। इसी साथ आपको काफी सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपका इनिशियल बेसिक सैलरी होगी आउट ऑफ टोटल सैलरी आपको 44,500 होगी, जिसके साथ आपको काफी सारे डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, टोटल मिलकर के आपकी 17.52 लाख की सैलरी होगी। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी आपकी, ठीक है, और 1,46,000 की आपकी पर मंथ होगी, आप इसको कह सकते हो। उसके बाद में और भी चीजें बात करते हैं, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो आपका 1 ईयर का होगा फ्रेंड्स, जो कि मैक्सिमम 2 ईयर्स का हो सकता है, ठीक है। अगर मैं फेज वन की बात करूँ तो फेज वन का जो आपका एग्जाम सेंटर इसमें बताए गए हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं, आप इसमें गो थ्रू कर लेना। जो आंध्र प्रदेश स्टेट के से जो अप्लाई करेंगे उसका जो एग्जाम सेंटर होगा आपका विजयवाड़ा है, गुंटूर में पड़ेगा। ऐसे आप इसको जो एक बार चेक कर सकते हो कि फेज वन के लिए आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं और भी कुछ चीजें फटाफट से शेयर कर दे रहा हूँ। फेज टू जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, उसके जो एग्जाम सेंटर बनेंगे पड़ेंगे फ्रेंड्स, आपके हैदराबाद में होगा, कोलकाता में होगा, ठीक है, मुंबई, नवी मुंबई या थाने, या फिर आपका दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ आपसे, सेपरेट कॉल लेटर्स आपको इशू किया जाएगा फ्रेंड्स हर एक फेज के लिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस भी मैं आपको बात कर लेता हूँ, जो कि ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल है, ठीक है। फॉर सच अ ग्रेट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी जो आपको पे करनी है 20 20 सितंबर 2024 तक अप्लाई करते हुए,
SC ST PWD कैंडिडेट अगर आपको कैटेगरी से आप अप्लाई करते हो, 100 रुपीज की आपकी टोटल मैक्सिमम फीस, मतलब 100 रुपीज की फी होगी जो कि इंटीमेशन चार्जेस होगी। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट के अलावा हो, मतलब OBC हो, जनरल हो, ठीक है, तो EWS कैटेगरी से आते हो, तो आपकी जो फीस होगी वो 750 होगी, विच इज एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटीमेशन चार्जेस। लेकिन अगर आप SC ST PWD हो तो आपकी टोटल मैक्सिमम, मतलब टोटल आपकी 100 रुपीज की फी होगी। सो ये पॉइंट भी इसमें जो है अच्छा है। और भी कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं फटाफट से। इसमें और ऐसा कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक बार जो है इसका सिलेबस, इसमें जो सिलेबस है आपका फेज वन का, वो ऐसा उसमें कुछ बताया नहीं है, हो सकता है कि मेरे से मिस हो गया हो, आप एक बार पीडीएफ को ध्यान से चेक कर लें। लेकिन जो सिलेबस है आपका फेज टू का, फेज टू का जो सिलेबस होगा वो इसमें साफ साफ बताया हुआ है। इंग्लिश पेपर में आपके ऐसे आएंगे, प्रोसेस प्रिसाइज राइटिंग आएगा, कॉम्प्रिहेंशन बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा, ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड इंपैक्टिंग इंश्योरेंस में ये सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, इसके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इन सारे से इस सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार इसमें चेक करके बताऊँ कि इस अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में क्या प्रीवियस वैकेंसीज कब आई थी और उसके जो क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो वो मैं एक बार चेक करूंगा, रिसर्च करूंगा थोड़ा सा, और आपको फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना सभी के साथ, और सभी साथ में शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और जस्ट शेयर करो, फटाफट से शेयर करो, ठीक है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है, और 17.5 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।